जय हिंद दोस्तों। सुबह सुबह सैर पर न निकले दिल के रोगी, सर्दियों में सबसे ज्यादा आते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसी भी सीजन में और कभी भी हो सकता है, हालांकि हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले सर्दियों में देखे गए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? सर्दियों का मौसम आते ही अपनी सुंदरता का ख्याल रखने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन अक्सर शरीर के सबसे ज्यादा कामकाजी अंग यानी दिल के लिए बढ़ने वाले जोखिम को अनदेखा कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल के रोग के कारण होती है। सर्दियाँ सिर्फ ठिठुरा नहीं लाती बल्कि हार्ट अटैक का भी सबसे ज्यादा जोखिम लाती है। ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस समस्या से परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हार्ट अटैक आजकल एक साधारण सी स्थिति बन गई है जो हमारे दिल को न सिर्फ गंभीर तरीके से चोट पहुंचा सकती है बल्कि हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। जब हमारे दिल की मांसपेशियों में खून के नेचुरल फ्लो में रुकावट पैदा हो जाती है तब हार्ट अटैक पड़ सकता है। हार्ट अटैक किसी भी सीजन में और कभी भी हो सकता है, हालांकि ये गौर किया गया है कि हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले सर्दियों के दिनों में आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों के सीजन में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, और आप इस ठंड में अपने शरीर के सबसे जरूरी अंग को सुरक्षित व सेहत रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आखिर सर्दियों का सीजन ही क्यों बन जाता है हार्ट अटैक का सीजन? ये सही है कि सर्दियों का सीजन हार्ट अटैक सीजन माना जाता है, क्योंकि इस सीजन में हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार कारक ज्यादा घातक हो जाते हैं। मसलन सर्दियों के इस सीजन में बैरोमेट्रिक प्रेशर, आर्द्रता यानी नमी, हवा और ठंडा तापमान ऐसे कारक है जो शरीर पर अपना एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। इस कारण हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर सर्दियों के सीजन में शरीर को गर्म रखने के लिए नर्वस सिस्टम की गतिविधि काफी बढ़ जाती है, जिससे रक्त धमनियां यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और खून में गाढ़ापन बढ़ जाता है। ये सभी कारक ब्लड प्रेशर पर अपना नेगेटिव इफेक्ट छोड़ते हैं जो कि हार्ट अटैक के आने का प्रमुख कारण बनता है। जब हमारा शरीर ठंडा होता है तो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सर्दियों के दिनों में हमें अपने शरीर को गर्म रखने वाले कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, ये हमारे रक्त को भी गाढ़ा बना सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पहनावा मौसम के हिसाब से होना चाहिए। यदि आप सर्दियों के दिनों में बाहर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो तुरंत भीतर आए और अपने आप को सहज महसूस करने की कोशिश करें। उसी समय आप उन कपड़ों को न पहने जिन्हें शरीर से अलग करना कठिनाई भरा हो और जो आपको असहज बनाते हो। किसी भी हालत में एक्सरसाइज को बिल्कुल न छोड़िए। खास तौर से दिल को तंदुरुस्त रखने वाले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग को अपनाएं। अपने रूटीन पर टिके रहिए और किसी भी हालत में एक्सरसाइज बिल्कुल न छोड़े, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो। सर्दियों के दिनों में ज्यादातर त्योहार होते हैं और ऐसे में आपको कहीं भी शराब आसानी से ऊपर हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि शराब शरीर को गर्म रखती है, तो एक बहाने के तौर पर भी शराब का सेवन अधिक हो सकता है जो कि दिल की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए सर्दियों में जब हार्ट अटैक का अधिक खतरा हो तो शराब का अत्यधिक सेवन घातक हो सकता है। सुबह जल्दी बिस्तर से न निकले वे लोग जिन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है उनको तो सुबह जल्दी बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। इससे ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती है और सर्दी में बाहर आने की वजह से शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान हमारे दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। ऐसे में हमारे दिल पर उस पानी को शरीर में पंप करने का जोर पड़ने लगता है। दिल पर ज्यादा मेहनत पड़ने पर हार्ट अटैक आ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।